क्या वो सही होंगे। हालांकि एग्जिट पोल आने से पहले ही बाजार ने इसे भांप लिया और बाजार कल से ही लगातार बढ़ रहा है। आज भी बाजार ने बहुत तेजी दिखाई और बाजार 23,000 के ऊपर पहुंचा। ये शंभुनाथ जी, बाजार को समझ में आ गया है कि या बाजार को एक स्थिर सरकार चाहिए, वो पॉजिटिविटी, वो एक माहौल उसको दिख रहा है? देखिए, बाजार तो इंतजार कर ही रहा था कि उसे लगे कि अगर मोदी सरकार के आने की संभावनाएं हैं तो अब जब एग्जिट पोल बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी क्लियर कट प्रधानमंत्री बन रहे, जैसा कि एग्जिट पोल के मुताबिक ही, तो बाजार का उछलना स्वाभाविक था। बाजार बढ़ेगा ही क्योंकि सारी कॉर्पोरेट शक्तियाँ लगी ही उस तरफ थी कि मोदी प्रधानमंत्री बन जाएं और जैसा कि वो चाहते हैं, जो उन्हें सरकारी मदद मिल सके, स्टेट से जितनी मदद मिल सके वो मदद मिले, बाहर भी वो दूसरे देशों में भी जाएं जहां कुछ उन्हें अपने हाथ पांव फैलाने हैं, तो इसके लिए बाजार का उछलना आज का कोई मतलब आश्चर्यजनक नहीं लगता है, स्वाभाविक ही है। चलिए एक बार हम नजर डाल लेते हैं जो अभी तक आए हैं। पंजाब में CNN के मुताबिक 6 से 9 सीटें कांग्रेस को, 3 से 5, आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें। उत्तर प्रदेश में ABP न्यूज़ के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 46, कांग्रेस को 8, समाजवादी पार्टी को 12 और बहुजन समाज पार्टी को 13। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें, News24 चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक 26 की 26 सीटें गुजरात में नरेंद्र मोदी को। पूरा गुजरात ऐसा लगता है इस एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सक्रिय हो गया राखी। बिल्कुल, और जैसा कि वो कहते आ रहे हैं कि वो गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं और गुजरात में तो मुझे लगता है पूरा दमखम दिखेगा ज़रूर। लेकिन अगर बड़ी बातें अगर हम देखें जो एग्जिट पोल में भी नज़र आ रही हैं और उसके द्वारा संकेत देखें विनोद, तो बिहार की तरह एक बार फिर जाऊंगी कि नीतीश कुमार एक बड़ा उन्होंने फैसला लिया BJP से अलग होने का। तो इस बार के चुनाव में क्या हमें नया देखने को नजर आएगा कि क्या एक जो उन्होंने ये फैसला लिया वो किस तरह से उनके लिए गलत साबित होगा, किस तरह से हाशिए पर चले गए नीतीश कुमार। कांग्रेस की जो बात की है और आपसे बदब्याल साहब मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस की टैली पहले से वो 2 से बढ़कर बल्कि 4 की तरफ मुझे भी जाती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ मीरा कुमार जी हैं और निखिल कुमार जी, इन पर कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छा कर सकते हैं प्रदर्शन। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नई नई चीज़ें भी उभर कर आ गई हैं। अगर हमने ये बात की है कि भ्रष्टाचार को हटाने की ये बात रही है इसमें, तो लालू प्रसाद जी अगर RJD अगर अच्छा करती है तो हमें फिर क्या संकेत मिलेंगे? चलिए गुजरात में हेमंत भट्ट है, गुजरात से जो आए हैं हेमंत जी, 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को News24 चाणक्य के ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के मुताबिक। ये हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है, जबकि नरेंद्र भाई एक गुजरात के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए जब प्रोजेक्ट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और NDA की तरफ से, तो स्वाभाविक रूप से गुजरात की जनता की यही ख्वाहिश रहेगी, यही आशा और आकांक्षा रहेगी कि नरेंद्र भाई बड़े दमखम के साथ गुजरात की जनता का प्यार बटोर के वहाँ दिल्ली में पहुँचे। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। और जहाँ तक पूरे एग्जिट पोल के सर्वे का सवाल है, जो 287 या 273 के आसपास की जो भी आंकड़े आ रहे हैं, हम मानते हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीटों का आंकड़ा जरूर पार कर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त का और इस बार का जो चुनाव था वो नेशनलिज्म वर्सेस शुडो सेकुलरिज्म था, डेवलपमेंट वर्सेस डिविजिव पॉलिटिक्स था। और जो भी बात डेवलपमेंट की